आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया है कि अटैचमेंट की दुकान का राशन कैसे रिसीव किया जाता है, जैसे पवन भाई ने, पवन सिंह नाम से एक कमेंट आया है, भैया ने कमेंट किया है कि जो अटैचमेंट का दुकान है राशन का, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान का, उसका राशन कैसे रिसीव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसका राशन आइए आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से मशीन पे आ गए। अब इसमें स्टाक प्राप्ति पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे चले आएंगे। ये देखिए, थोड़ा समय लग रहा है ओपन होने में, ये हमारे यहाँ का नेट थोड़ा स्लो है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। अभी देख सकते हैं समय लग रहा है फ्रेंड्स, ये हो गया ओपन। उसके बाद आपको वितरण वर्ष चुनना है 2023-24। उसके बाद आपको सीधा महीना चूज करना है। ये देखिए वितरण माह लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अक्टूबर, जैसे मैं अक्टूबर का सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो इस महीने का है उस महीने का आप सिलेक्ट कीजिए। ये देख सकते हैं मैंने अक्टूबर सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या राइस है या गेहूं है, जो भी करना है, मैंने गेहूं किया है। उसके बाद अगले पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये थोड़ा समय लेगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे यहाँ नेट थोड़ा स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सॉरी, अगली बार से इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा नेट का फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। अभी ज़्यादा समय ले रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स हो गया। यहाँ से फिर इसको आपको चूज करना है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जिनका अटैचमेंट का दुकान है यहाँ से वो राशन रिसीव नहीं होगा बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको सीधे बैक करना है, लॉन्ग आउट इसको करना है। लॉन्ग आउट के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे यहाँ मशीन का टेस्ट थोड़ा कम काम कर रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद इसको क्लिक कीजिएगा, इसके बाद फील्ड एडमिन का यूजर आईडी आपको ओपन करना है। ओपन करने फ्रेंड्स फील्ड एडमिन, ये देख सकते हैं आप लोग, ये फील्ड एडमिन का आपको आईडी ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, ये जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको सीधे इस पे क्लिक करना है, भू निर्देशक जो लिखा हुआ है, जो ये बता रहा था कि दुकान आईडी दूर है आपकी, इसको आप स्थान चूज करने के बाद आपको इस सीधा आ जाना है। ये जो डेटा बेसिक निकले लिखा है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसका डेटा पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर भंडारिक में आके इसका डेटा, दूसरे दुकान का डेटा अपलोड करना पड़ेगा, फिर प्रणाली संख्या में जाके उसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो ऐसा जाम ना करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इतना जाम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, सीधे सीधे आप अपने सप्लाई इंस्पेक्टर को फोन कीजिए, उनसे बताइए सर कि मुझे राशन रिसीव करना है जो अटैचमेंट दुकान का है, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से राशन रिसीव करना है। मैंने बात किया सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से, तो उन्होंने बताया फ्रेंड्स कि इसको आप ओटीपी के माध्यम से ही केवल रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये साइड में ओटीपी आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से ओटीपी आता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को गेहूं का अलग ओटीपी आएगा फ्रेंड्स, और चावल का अलग ओटीपी आएगा, तो आप लोगों को ओटीपी के माध्यम से ही आप इसको रिसीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए आपको, जब आप अपने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे तो आपको ओटीपी सेंड करेंगे फ्रेंड्स। ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको वो ओटीपी अपने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को बताना पड़ेगा, वो वहां से राशन अटैचमेंट दुकान का रिसीव कर सकते हैं। आप स्वयं अपने हाथ से अटैचमेंट दुकान का राशन नहीं रिसीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।